अगर आप पर जादू की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं तो आपको एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा बताएंगे इंशाल्लाह जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है, तवीजात दफन हैं, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपके साथ बाबे सैयदिना अली रजी अल्लाह ताला अन का जादू से जुड़ा एक वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी भाइयों और उम्मत मुहम्मदिया की मुकद्दस मौ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। मोहतरम समाइन, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके लिए बहुत से भाइयों बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि जादू की निशानियां क्या हैं और उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। मोहतरम समाइन, माशरे में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जादू नहीं होता, फिर भी अगर किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक मानकर या फिर सच मान लेते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं। समाइन, जब तक आप पर ये मखसूस निशानियां बार बार जाहिर ना हों उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं तो इंशाल्लाह आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा नजर आ जाएगा और जहां कहीं उसने तावीज दफनाए हैं वो भी नजर आ जाएंगे। समाइन, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले उन तमाम समाइन से गुजार है जो चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। समाइन, इमाम अबू हनीफा की नजर में जादूगर मुरतब से भी बड़ा मुजरम है। वो कहते हैं की एक मुरतब का जुर्म सिर्फ उसके लिए ही होता है, यानी कि सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा उसकी लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है, इसमें बराए रास्त शैतान यानी इबलीस और इसकी औलाद से मदद मांगी जाती है और जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताही की जाती है। फिर इबलीस या उसकी औलाद को महबूद या मददगार पकारा जाता है, मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज बिल्ला कुरान मजीद को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या फिर हराम या गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है और इन्हीं वजूहात की वजह पर सैयदिना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे अफराद को जो के जादू करने में मुलव्वस थे उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गई थी। इससे आप खुद जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल है, लेकिन इसके बरक्स आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार जादू को ठहरा दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है कि जादू हो गया है या फिर कोई बदपरेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि उस पर जादू हो गया है। किसी की सुस्ती की वजह से या नाआयली की वजह से दुकान या कारोबार नहीं चलता तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी के पास नौकरी नहीं है या फिर उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि किसी ने जादू करा दिया है। अलगर्ज हर तरह की परेशानी को जादू करा
करार दे दिया जाता है और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात को बनाकर जादूगरों के रहम और करम पर छोड़ दिया है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं तो इसकी खसूसी अलामात को देखना जरूरी है और अगर इन अलामात में से 70% या फिर 80% अलामात उसमें पाई जाती हैं तो फिर उसको जादू करार दिया जाएगा या फिर उसको यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू जब इब्तदाई मरहले में होता है तो उसकी अलामात और होती हैं और जादू जब जोर पकड़ चुका होता है तो फिर उसकी अलामात और होती हैं। जादू जब इब्तदाई मरहले में होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियां ये हैं: दरिंदे, ते, शेर, सांप, जंगली जानवर, बिच्छू, छपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त, बंदर, बैल, ऊंट देखना या फिर हंजीर वगैरह को देखना, नींद में डरना, नींद में रोना, चीखना चिल्लाना या फिर हंसना, आवाजें लगाना, झटके, ऐसा जैसे कि किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो या फिर किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफ जदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, रात को नींद का न आना, नींद का कच्चा होना, नींद में सख्ती के साथ ओंट चबाना, कब्रों में मुर्दे देखना, इंसानी लाजत देखना या फिर किसी खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों में खुद को देखना या फिर सोते हुए में देखना कि उसको कोई चीज खिलाई जा रही है और फिर जागने के बाद उसको महसूस करना कि उसे कुछ खिलाया गया है। इस तरह की अलामात जादू की इब्तदाई अलामात हैं। अगर इस तरह की अलामात आपको जाहिर हों तो आप समझ जाएं कि आप पर किसी ने ताज़ा ताज़ा जादू किया है और जादू के जोर पकड़ जाने की जो अलामात हैं वो इंतहाई सख्त अलामात हैं और इन अलामात से मौत भी वकू पजीर हो सकती है। जब आपको ये अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इनसे बचना कैसे है, उसका भी मुकम्मल तरीका आपको जरूर बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जागने के बाद जिस्म का बहुत ज्यादा दर्द करना, जिस्म में थकावट महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी ही हो तब भी इकरार ना करना, दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर घर वालों से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा हो जाना, अजवाजी मामलात मुनकता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, माँ बाप से नफरत हो जाना, सर, सीने या फिर कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द होना या फिर कंधों में दबाव बोझ महसूस होना या फिर ऐसा महसूस करना के सर पर या फिर कमर पर सुइयां चुभ रही हो, नमाज, अजान, कराहत वगैरह से तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफ्रिया ख्यालात का आना, मस्जिद में जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, जिस्म से मुंह से या फिर पेट से बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या फिर किसी शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़के या लड़की पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चुभी है, इसका महसूस करना या फिर ऐसा लगना कि सर में किसी ने कोई नुकीली चीज दाखिल की है। अगर कोई मरीज बीमार हो और डॉक्टर उसके बारे में कोई हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर हो तो ये भी जादू की वाजिया निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, आज मर्तबा मियां बीवी में यक तरफा नफरत के बजाय वामी नफरत के बजाय यक तरफा नफरत का पैदा किया जाना, अगर मियां पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और अगर बीवी पर जादू किया गया हो तो वो मियां से नफरत
करने लगेगी। किसी किसी वक्त जब मियां या बीवी उस जादू से बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेख्तियार होकर दोबारा वो वही हरकत करता है। इस तरह की अलामत देखें तो पानी सर से ऊंचा होने से पहले किसी मायर वालिद से राबता कर लें, या फिर जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उनका इंतहाब कर लें। मोहतरम समाइन, याद रखें अगर ये अलामत जाहिर हों तो आपने किसी आंबल के पास, किसी पीर के पास, किसी मौलवी के पास हरगिज नहीं जाना। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मजीद मुश्किलात में जरूर डाल देंगे। आपने करना क्या है इसके लिए हम आपको दो अमल बताएंगे। पहला अमल जो है वो इसलिए है कि अगर आप उस शख्स का ख्वाब में चेहरा देखना चाहते हैं या फिर जादू को देखना चाहते हैं तो आपने इस अमल को करना है। इस अमल को करने के लिए इजाजत की जरूरत है, तो इजाजत लेने के लिए आपने कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिख देना है। अगर आप कमेंट्स में अपना नाम लिख देंगे तो आपको इजाजत मिल जाए। आपने करना यह है कि आपने ईशा की नमाज अदा करने के बाद सोने से पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये दो इस्म मुबारक का आपने 313 मरतबा विद करना है, और वो इस्म मुबारक ये हैं या जब्बारू या कहारू। इन दोनों को इकट्ठा पढ़कर आपने एक तसव्वुर करना है और इनको 313 मरतबा पढ़ना, और उसके बाद आपने पढ़ते पढ़ते सो जाना है। इस अमल को करने के बाद आपने किसी के साथ बात नहीं करनी बल्कि आपने सो जाना है। आपको फिर बताता चलूं कि आपने इस अमल को करने के लिए इजाजत जरूर लेनी है। इजाजत के लिए कमेंट्स में आपने अपना नाम लिखना है। इस अमल को करके जब आप सो जाएंगे तो आपको ख्वाब में उस आदमी का चेहरा नजर आ जाएगा, या फिर आप पर उसने जो जादू किए हैं, जो तावीज किए हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। उसने वो आपके घर में या फिर किस जगह पर दफनाए हुए हैं। अब जो दूसरा अमल है वो ये है कि आपने इन जादू इन तावीज से छुटकारा हासिल कैसे करना है। इस अमल को करने के दो तरीके हैं। अगर वो शख्स जिस पर जादू या तावीज हुए हैं वो खुद करता है तो वो एक मरतबा सूरत बकरा की तलावत करे और 313 या जब्बारू या कहारू का विर्द करे, और इस अमल को आपने 7 रोज तक जारी रखना है। और अगर वो शख्स खुद ना कर सके तो इसकी जगह पर अगर कोई और करे तो उसके लिए ये है कि आपने सूरत बकरा को 3 मरतबा पढ़ना है। सूरत बकरा की आपने 3 मरतबा तलावत करनी है और 313 मरतबा या जब्बारू या कहारू का आपने विर्द करना, और इस अमल को आपने भी 7 दिन तक लगातार करते रहना है। ये अमल थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये बहुत ही मुजरब और बहुत ही खास अमल है। इस अमल को आप करके देखें, आप पर जादू या तवीज के जो भी असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए वजीफे अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।